ना मुझे तुझसे दोस्ती करनी है ना कुछ और। वो चिट तुमने लिखी थी? हाँ। इतने सारे लोग होते हुए ये हुआ कैसे? यादव सर, आप तो इस स्कूल के सबसे पुराने और भरोसेमंद शिक्षक हैं, और आपको भी मालूम नहीं क्या हुआ? आपका ध्यान कहां पे था? कहां ध्यान था आपका? करिश्मा मैडम क्यों? क्या कहा तूने? प्रकाश इधर आओ, चलो। क्या कहा तूने? क्या कहा? सर कुछ नहीं कहा सर, आपकी कसम सर। तुम तो नहीं सुधरोगे, लेकिन विक्रम तुम भी। अरे तुम तो इस स्कूल की पहचान हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो लड़े और झगड़े से दूर ही रहता हूं, आपको तो पता ही है ना। सर ये झूठ बोल रहा है, डुक्कर कुटला, इसको तो उल्टा लटका के मारना चाहिए, बहुत मारना चाहिए। ए सूखी मछली तू शांत बेटा। ए नारद मुनि कुछ भी मत बोला, वरना तेरी यही बैंड बजा डालूंगा। हाँ तो बजाना। हाँ बजाता हूँ ना फिर। क्या रे बंद करो ये सब, क्या चल रहा है तुम लोगों का? मेरे सामने इतना सब कुछ कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे कितना करते होगे? सर आपको तो पता है हम कितने शांत हैं, पर ये शिवा जानबूझ के हमें फंसाना चाहता है। ए साले बैटरी कुछ भी मत बोल झूठ। क्या रे? अरे तेरी तो तमाशा। तुम्हारे सामने मैं हूं, बाजू में शिक्षक खड़े हैं, इस बात का भी ध्यान नहीं तुम्हें? सॉरी सर। यह हमारे स्कूल का नया लड़का है, यह बाथरूम में बंद हो जाता है और किसी का ध्यान भी नहीं जाता। सर प्रेम बाथरूम में बंद नहीं हुआ था, उसको बंद करवाया गया था, वो भी जानबूझकर, इस प्रकाश और विक्रम ने। ए साढ़े साथी बताना सर को। हाँ हाँ सर, मैंने देखा विक्रम ने और प्रकाश ने दोनों ने मिलकर कुंडी बंद की थी। सर मैंने मेरा अपने आंखों से देखा सर। तो उसी वक्त तूने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? ये इससे बड़ा कांड होने का इंतजार कर रहा था क्या तू इडियट? सर वैसे बाथरूम के ऊपर मुझे अब बहुत ही बड़ा मजाकिया चुटकुला याद आया। अब ठीक है मैं कह ही देता हूं आपको। सर एक दिन एक गांव में ना बाथरूम के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक गरीब किसान भी था। किस लोगों ने कहा मेरा बाथरूम 5 लाख का है, किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने कहा मेरा बाथरूम 20 लाख का है। सर लेकिन वो गरीब किसान ने क्या कहा मालूम है आपको? उसने कहा मेरा बाथरूम 7 करोड़ का है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? वो बोला कि मैं जहां भी लोटा लेके जाता हूं उस खेती की कीमत 7 करोड़ होती है सर, और ऐसे बाथरूम ना हम हर दिन बदलते रहते हैं। क्या चल रहा है सर? चुटकुला सर। क्या चल रहा है? यादव सर परिस्थिति क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, थोड़ा समझा करो। और तुम प्यारे लाल, तुम्हारा ध्यान कहां था?
ये बाथरूम में बंद हो गया तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हारा ध्यान होना चाहिए पूरे स्कूल पर। सर, इस विक्रम और प्रकाश को सजा मिलनी ही चाहिए, वरना इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हाँ सर, प्रेम को इंसाफ मिलना ही चाहिए। ओए, इंसाफ की पुजारी, इंस्टा क्वीन, चुप बैठो। पर मुझे एक बात बताओ, तुम झांसी की रानी बनकर इन लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो? क्या माजरा क्या है? क्या मैं बकरी की तरह मैं करती जा रही हो? आगे कुछ बोलोगी भी? हाँ सर, याद आया, वो क्या है ना, प्रेम हमारे स्कूल में नया है ना, हम सब उसके दोस्त हैं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसका मुझे एहसास हुआ सर। एहसास हुआ सर? यादव सर, और मैं झट से उसे ढूंढने के लिए निकली, मेरे दोस्ती का इजहार करने सर मैं उसे इधर उधर ढूंढती रही सर। ओए ओए हीरोइन, बंद करो ये सब नाटक, चल अपनी क्लास में जा और पढ़ाई कर, क्या करना मैं देख लूंगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। जाओ, चलो क्लास में जाओ, निकलो। कुछ नहीं सर, चीटी। वो बड़ी वाली मदारी वाली चीटी। सर, आप इस विषय को अभी छोड़ दीजिए, इसकी चिंता ही मत कीजिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को मार मार कर इनका भूसा बना देता हूं, तब इनको पता चलेगा। यादव सर, यादव सर, अरे बच्चों को मार कर नहीं, प्यार से सिखाया जाता है, उनको प्यार से समझाइए। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। देखो बच्चों, पढ़ाई जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण हमारी पहचान बनती है। हाँ, हमें सब पता है सर, लेकिन इन दोनों का क्या, वो तो बताइए ना। सर, हमने जानबूझ के नहीं किया, वो बाथरूम से बास आ रही थी इसलिए हमने बाथरूम की कुंडी लगाई, हमें क्या पता था कि ये अंदर है। जी प्रकाश। हाँ सर, हमें नहीं पता था ये अंदर था, वरना हम ऐसा क्यों करते सर, आपकी कसम। ओए तू बस कर, मेरी कसम खा के तू मुझे जल्दी ऊपर पहुंचा देगा। विक्रम, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मेरा भरोसा मत तोड़ना। जी सर बिल्कुल। प्रेम, सॉरी यार प्रेम, हमारी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हमने ये जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दे मेरे दोस्त। सर मुझे लगता है विक्रम और प्रकाश ने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे उन दोनों से कोई शिकायत नहीं। गुड 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 गुड, चलो अच्छा हुआ कि मामला सुलझ गया है, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। चलो अभी क्लास में जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो जाओ सब लोग। यार प्रेम, तूने ऐसा क्यों किया, क्यों इस विक्रम पर भरोसा किया? शिवा, तू शांत हो जा, हम बाद में बात करते हैं। थैंक्स यार प्रेम, जो तूने मुझे माफ कर दिया, हमारे आज से नहीं अभी से दोस्ती होगी, और हमारी दोस्ती ऐसे होगी
कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी दोस्ती की मिसालें देगी, है ना प्रकाश? हाँ हाँ बिल्कुल। रंग बदलू गिरगिट आईच्या गावात आणि बाराच्या भावात विक्रम गेला अजूनच माझ्या डोक्यात। प्रेम तू उस पे ध्यान मत दे, चल तो हमारे साथ। सर क्या अब हम भी जा सकते हैं ना? यादव सर जरा चुटकुले कम करके बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दो। सर कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, और पढ़ाई तो मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाता हूँ सर। सर इतना बड़ा महाभारत हुआ, आपने सबको इतना अच्छा समझाया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, वो बच्चा आखिर बाथरूम में कर क्या रहा था? आउट आउट गेट आउट, तबाह हो जाओ मेरे रूम से। कुछ गलत कहा क्या मैंने? चल तुझे दिखाता हूं क्या गलत बोला। लड़की से हार गया भी साले। अरे यार सब चले गए, गाड़ी भी नहीं आई आज। अब तो मुझसे दोस्ती कर लो। ए चिपकली निकले ऐसे, तुझे कुछ काम नहीं रहता क्या? जब देखो तब प्रेम के पीछे पड़ी रहती हो। शिवा तू शांत बैठ, चल चलते हैं। ए शिवा को तो पटक पटक के मारना चाहिए, हमेशा मेरे और प्रेम के बीच में दीवार बन के खड़ा रहता है, चिरकुट कहीं का। अरे यार प्रेम कुछ तो बात है भाई तुझ में, जो ये मधु तेरे पीछे पड़ी है, क्या तुझे भी वो मधु अच्छी लगती है? बोल बोल कुछ कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने किसी लड़की से दोस्ती की और मेरे पापा को पता चला ना, तो कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाएगा, समझा? वो तो है बाबा, मैंने तो कल ही देखा तुम्हारे पापा तो बहुत डेंजर है, वो नहीं क्या दिलजले, उसमें का शाकाल की जैसे। वो दिलजले नहीं है, दिलजले है। वही कही। तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। अभी ये बता कहीं चलना है या फिर सीधे घर चले? आज तो मस्त वड़ा पाव खाकर ही जाएंगे। चल मैं तुझे अपनी पसंदीदा जगह पहले चलता हूँ। ठीक है। ए शिवा मेरे भाई मुझे भी तेरे साथ ले चलना। वो क्या है ना, आज मेरी गाड़ी भी नहीं आई और सारे सहेलियां और सारे बच्चे चले गए, तो हम क्या करें? हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? शिवा चलती है तो चलने देना, साथ ही तो चलेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्रेम तुझे नहीं पता उसके पास मोबाइल है, वो चाहे तो अभी की अभी किसी को भी कॉल करके बुला सकती है, लेकिन नहीं, बड़े बाप की औलाद है। और मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते आज।
चलती है तो चलने दे, हम अलग चल लेंगे, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। चलो आली आंगावर देसी गावर चल मेरे भाई, ले मधु को भी साथ। चल अभी चल यार, चलो ना जल्दी से। चल रहे हैं। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने आखिर मुझे तुम्हारे साथ ले ही लिया, नहीं तो वो चिरकट, वो शिवा, वो तो मुझे तुम्हारे साथ आने ही नहीं दे रहा था। ऐसे भाव खा रहा था कि वो ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जाल कल्याण, अरे उठा, वहां मोर, चलो आगे। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे ही पूछ उल्टा अब। वैसे प्रेम, तुम्हारे घर कौन कौन रहता? क्या उससे तुम्हें क्या, तुम्हें क्या प्रधानमंत्री ने पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए भेजा है क्या जो पूछ रही हो? तुमसे मतलब? मैंने तुमको पूछा है, प्रेम को पूछा है ना, तुमसे नहीं सकड़ू जानवर। ए जानवर किसको बोली रे? तुझे। तू 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 चुड़ैल है, सफेद चुड़ैल। चुड़ैल कही की पांक। चिपक गए। अरे बाप, भगवान उठा ले मुझे। अरे उठो, अरे छोड़ो, फेविकोल को जोड़। क्या लगा रखा है तुमने? चलो अभी। अरे मेरी माँ, जा तेरे घर, आ गए तेरे घर का रास्ता। चल रे प्रेम, चले जा। अरे आगे देखना। चल। ओ दादा, दुमड़े पाव दे देना गर्मा गर्म, वो भी हरी हरी तीखी मिर्ची के साथ, धनधनीत लागली पाहिजे। चल बैठ इधर। अच्छा तो तुम्हें तीखा पसंद है? हाँ बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे कोल्हापुर में लौंगी मिर्ची के बिना खाना ही नहीं खाते। खाते खाते आंखों से पानी और मुंह और कान से धुआं निकलता है, उसके बिना हमें खाना हजम ही नहीं होता।
बाप रे बाप, इतना तीखा? हाँ, इसीलिए तो हम स्वभाव से तीखे होते हैं और बहादुर भी। हाँ, हमारे कोल्हापुर में मराठी में एक बोला जाता है, जो आप नन्नार त्याला कितच फोडणार। किसी को छोड़ते नहीं हम। और तू उस विक्रम से डर गया? आला रे आपला वड़ा पाव। ये ले मिर्ची। मेरे घर का माहौल ना थोड़ा अलग है। मेरे पापा को लगता है कि मैं और लड़कों की तरह बड़ा होकर बिगड़ जाऊंगा, इसलिए वो मुझे हमेशा से पीटते आए हैं। लड़कियों की तरफ देखना तो दूर, उनके पास जाने पे भी पाबंदी है। लड़ाई झगड़ों से तो बहुत दूर हूँ। तुझा फादर ले डेंजर है रखरत। वो सब बात छोड़, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है ताकि मैं आगे चल के बड़ा आदमी बन सकूँ और अपने पापा को गलत साबित कर सकूँ। छोड़ यार, आगे का किसने देखा? जिंदगी तो हंसी मजाक के साथ जीनी चाहिए, ना तो ऐसे मुंह लटकाते हुए। बोलना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। मैं हूं ना, फिकर ना, शिवा है ना तेरे साथ, तो टेंशन की क्या बात। मैं तुझे जिंदगी जीने का असली तरीका सिखाता हूँ, वो भी हंसी मजाक के साथ। सिर्फ तू उस आकड़ू विक्रम से और उस छिपकली से दूर रहना। चलो कितने हुए भाऊ? ओके मिर्ची बहुत अच्छी थी, वड़ा पाव तो लेज भारी। तूने क्यों दिया? मुझे देना था ना। अरे आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तू कल फिर दे देना। ठीक है, दोस्ती की है तो पार्टी तो होती रहेगी ना। चलेगा, लेकिन कल मैं पक्का। हाँ पक्का, मैं तो दो दो वड़ा पाव खाऊंगा। तू चार खाना, चलते चलते खाते हैं। हाँ चल 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 रे बाबा चल। क्या करूं? हाँ ना यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखो ना, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा और मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब करे तो करे क्या? तुम अरे जाओ निकलो यहां से। मेरी माँ, अभी तुम जाओ, अगर मेरे पापा ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ने वाली है। प्लीज अभी जाओ। मैं सब संभाल लूंगी। आंखें इंस्टा क्वीन हूं मैं, सब पहचानता है मुझे। बस
बोल दिया ना तुमने जो बोलना था। अभी जाओ यहाँ से। अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुम्हें जो बोलना है कल स्कूल में बोलना, अभी यहाँ कुछ नहीं बोलना, समझी? चलो निकलो। मुझे बताओ, स्कूल में तुम मुझे भाव देते हो? नहीं ना। और वो भटकी आत्मा, वो शिवा, वो चिरकुट, वो तुमसे बात ही नहीं करने देता यार मुझे। मेरी माँ, कल से पक्का बात करूंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज। मुझे बताओ, तुम्हारे घर ऐसे मेहमानों को घर से बाहर निकालते हैं क्या? तुम्हें जो चाहिए मैं कल दूंगा, चाय, कॉफी, बिस्किट, जो भी चाहिए दूंगा, लेकिन अभी यहाँ से जाओ प्लीज। मैंने बोला ना मैं सब संभालूंगी। फट्टू कहेगा। प्रेम, देखो पापा की आवाज, प्लीज जाओ। अरे मैं संभाल लूंगी, मैंने बोला ना। अरे तुम क्या संभाल लोगी यार? प्रेम देखो। प्रेम, अरे मैं संभाल लूंगी यार। अरे पापा आवाज मार रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। तो देखने तुम जाओ प्लीज। अरे मैं संभाल लूंगी, मैंने बोला ना। अरे पापा आने वाले हैं। प्रेम देखो। अरे यार, अरे मैं संभाल लूंगी साहब। अरे मान जाओ प्लीज, पापा ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। देखने दो ना। अरे यार, अरे मेरा फोन तो रह गया, ये लो। अरे प्रेम, अब जाओ मेरी माँ। अरे अरे पट्टू कहता। प्रेम जी। पापा कौन आया था? कोई भी तो नहीं। तो फिर किससे बातें कर रहे थे? वो सर ने ना आज एक नई कविता सिखाई थी, बस वही दोहरा रहा था। अच्छा हाँ, बताओ तो। देखो, वो साला नक्श कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई वो चिरकुट, उसका क्या टेंशन है, वैसे भी उसे हम सबक कल सिखा ही देंगे। आइयो विक्रम भाई, वो स्कूल आते समय और जाते समय वो अकेला रहता जी, तब हम उसकी बैंड बजा देंगे। तो कल ही उसे सबक सिखा देंगे। लगता है वो पिछली बार की मार भूल गया है। उसे पता चलना चाहिए कि विक्रम कौन है। बाकी भाई उस दिन क्या एक्टिंग किया आपने सर के सामने, मान गए भाई आपको। अयो तुम्हें भाई क्या ऐसे वैसे लगते हैं क्या? भाई ने बड़े अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है। और रही उस प्रेम की बात, उसे तो हम कल सबक सिखा देंगे। उसे तो सबक सिखा देंगे, लेकिन तुझे जितना कहा है उतना कर। पर भाई तुम्हें सच में लगता है उस प्रेम को सबक सिखाएंगे तो वो डेड पसली शिवा शान बैठेगा? अरे उस शिवा की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो, कल देखो उस शिवा के साथ क्या होता है। अयो विक्रम भाई, वो शिवा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जी, मन करता है उसके टिफिन में जुलाब कर।
मेरा मतलब है उसके टिफिन में जुलाब की गोली डाल दूं और उसके बेंच पे खाज खुजली वाला पाउडर डाल दूं। अबे मोटे, क्या आइडिया दिया है तूने? अब कल क्लास में क्या धमाका होता है। बुम! क्लास में होगा बंदर नाच, और बंदर नचाएगा विक्रम भाई। सही बोले बे। पर भाई, किसी को पता चला तो? अबे बच्ची, हम चाली ऐसे चलेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझे? क्या समझाओ? क्या बात कही है भाई आपने, दिमाग हो तो आपके जैसा। अब हमें रहेगा इंतजार कल के धमाके का।